चेन्नई सुपर किंग और उसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए सीजन कुछ खास नहीं रहा है। टीम पहली बार प्लेऑफ में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। वो प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बनी थी। पूरे टूर्नामेंट के दौरान महेंद्र सिंह धोनी कई युवाओं को अपनी चेन्नई सुपर किंग की जर्सी देते हुए भी दिखे थे। सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी चर्चा हुई थी और रविवार को मैच के बाद धोनी ने खुद इसका कारण भी बताया। दरअसल मैच के बाद कमेंटेटर हर्षा भोगले ने धोनी से पूछा, ये देखकर अच्छा लगा कि आपके पास कुछ जर्सी बची है क्योंकि हर कोई आपसे जर्सी लेता हुआ दिख रहा है। इसके जवाब में धोनी ने कहा, मैंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है तो उन्हें लगा होगा कि मैं आईपीएल से भी रिटायर होने वाला हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर्षा भोगले ने जब पूछा कि धोनी क्या आप 2021 में भी आईपीएल खेलेंगे तो माही ने जवाब देते हुए कहा, बेशक अगला सीजन केवल 5 महीने दूर है और कोई लॉकडाउन भी नहीं है तो हमें समय मिलेगा कि टीम में क्या बदलाव करने हैं और कैसे करने हैं। खैर वही आपको बता दें, एमएस धोनी ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ मुकाबले से पहले टॉस के समय ऐलान किया कि वो फिलहाल आईपीएल में खेलते रहेंगे और फिलहाल उनका संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है। धोनी से टॉस के दौरान कमेंटेटर डैनी मॉरिसन ने पूछा कि क्या पीली जर्सी में ये उनका आखिरी आईपीएल मैच है। इस पर धोनी ने ना में जवाब दिया। धोनी की ये ना चेन्नई सुपर किंग के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी बन गई। वहीं इसके बाद सोशल मीडिया पर धोनी का दिया जवाब डेफिनेटली नॉट ट्रेंड करने लगा है। खैर आपको क्या लगता है, हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूले। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।